हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉक टेस्ट नंबर वन है। पहला सवाल देखिए, बोलते हैं वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। बोलते क्यों एक्सचेंज रेट जो होता है जहाँ परचेज करते हैं सेल करते हैं फॉरन करेंसी का, वो ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है। ए ऑप्शन है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसीज है, बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, सी ऑप्शन है बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो बोलते हैं एक्सचेंज रेट जो होता है जहाँ परचेज करते हैं सेल या फॉरन करेंसी का, वो ज़्यादातर अनफेवरेबल क्यों है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात हो जाती है जो होल्डिंग कॉस्ट होती है करेंसी की बहुत ज़्यादा होती है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न आता है। क्वेश्चन नंबर टू, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट कोटेड बाय एन ऑथोराइज डीलर इज कॉल्ड। बोलते जो डिफरेंस होता है बाई और सेल करने का रेट जो कोट किया जाता है ऑथोराइज डीलर के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन है डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन है डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, डीलर्स स्प्रेड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए कस्टमर वॉन्ट्स टू सब्सक्राइब टू ए मैगजीन पब्लिश्ड इन पेरिस, द एक्सचेंज रेट फॉर द ड्राफ्ट विल बी। बोलते हैं कोई कस्टमर है, अगर मान लीजिए कि परचेज करना चाहता हो मैगजीन जो कि पब्लिश हो रहा हो पेरिस में, द एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट का क्या होगा। ए ऑप्शन टीटी बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टीटी सेलिंग रेट होगा। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर फोर, योर नॉन रेजिडेंट कस्टमर प्रेजेंट्स ए ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर विच कवर हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन नॉस्ट्रो अकाउंट, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड टू द ट्रांजेक्शन विल बी। बोलते जो आपका रेजिडेंट कस्टमर है वो प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में जहाँ पे कि कवर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ नॉस्ट्रो अकाउंट में, और जो रेट होगा एक्सचेंज का वो अप्लाई करेगा ट्रांजेक्शन पे, कौन सा, ए ऑप्शन टी टी बाइंग, बी ऑप्शन बिल्स सेलिंग, सी ऑप्शन बिल्स बाइंग, डी ऑप्शन टी टी सेलिंग, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, टी टी बाइंग होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल्स, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड विल बी। बोलता है जो आपका इम्पोर्टर कस्टमर है वो रिटायर करेगा अपना इम्पोर्ट बिल, तो जो रेट होता है एक्सचेंज को अप्लाई करेगा क्या अप्लाइड होगा। ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टी टी सेलिंग, डी सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है टी टी बाइंग, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्स सेलिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यू had negotiated an export bill of your customer in May 2009. This bill has been returned by the overseas buyer for some reasons and the AD has to debit his customer's account with Indian rupees. The rate to be applied will be. बोलता है यहाँ पे आपको जो एक्सपोर्ट बिल था उसको नेगोशिएट किया गया। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर किया गया, कस्टमर के अकाउंट में सीधा पैसा आ गया मई 2009 को, यानी कस्टमर अकाउंट में पैसा आ गया, तो क्या वो बिल बाद में ओवरसीज बायर ने किसी कारणवश उसको रिटर्न कर दिया। अब एडी को तो पैसा मिला नहीं एक्चुअली, अब एडी क्या करेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट कर रहा है भारतीय रुपीस में, जो रेट यहाँ अप्लाई होगा कौन सा रेट अप्लाई होता है, ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है टीटी बाइंग, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी बाइंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोलते इनमें से किसके ऊपर टीटी बाइंग रेट अप्लाई नहीं होगा। ए ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डीडी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक, बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी या एमटी, सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, डी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन डीडी ड्रॉन एब्रोड। जो सही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे जहाँ पे किस पे टीटी रेट अप्लाई नहीं होगा, तो डी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन डीडी ड्रॉन एब्रोड पे नहीं अप्लाई होता, यानी ए ऑप्शन होगा परचेज ऑफ डीडी ड्रॉन ऑन पेइंग बैंक पे अप्लाई होगा, कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड में टीटी और एमटी में अप्लाई होगा, फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर एट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोलता है किस पर टीटी सेलिंग रेट अप्लाई नहीं होता। ए ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, बी ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स, सी ऑप्शन है इशू ऑफ फॉरेन डीडी या एमटी, डी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी या एमटी, ई ऑप्शन बोथ बी एंड डी। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी, इशू ऑफ फॉरेन डीडी या एमटी। एक चीज थोड़ा समझिएगा, यहाँ एक शब्द आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या समझते हैं, लिक्विडेट करना या कन्वर्ट करना, ठीक है, तो जो पैसा है उसको कन्वर्ट करें डॉलर से इंडियन रुपीस में, इसलिए ई ऑप्शन होगा जहाँ आप क्रिस्टलाइज कर रहे हैं इंपोर्ट बिल्स को, ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स को, ठीक है, और कैंसिल कर रहे हैं आउटवर्ड रेमिटेंस को या एमटी को, आउटवर्ड जो होता है आप ईटीटी या एमटी को जो आप कर रहे हैं उसको कैंसिल करेंगे, तो आप टीटी सेलिंग रेट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, जहाँ पर क्रिस्टलाइज करेंगे ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स और
इश्यू ऑफ फॉरन डीडी या एमटी पे सेलिंग डेट अप्लाई होता है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन फॉरन करेंसी इज फिक्स्ड एंड द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड. बोलते हैं होम करेंसी को सॉरी जहाँ फॉरन करेंसी को फिक्स कर दिया वैल्यू जो होता है होम करेंसी का वेरिएबल चेंज कर रहा है, इसे आप क्या बोलोगे. ए ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन इनडायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस. जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए डायरेक्ट रेट बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू फॉरन करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड. बोलते हैं जहाँ पे होम करेंसी फिक्स्ड और वैल्यू जो होता है फॉरन करेंसी का वेरिएबल इसे हम क्या बोलेंगे. ए ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस. तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी इनडायरेक्ट रेट, क्योंकि यहाँ पे होम करेंसी फिक्स कर दिए हैं और फॉरन करेंसी चेंज करेगा तो सीधा सा बात है इनडायरेक्ट रेट है. यहाँ पे प्रॉपर अगर आप सीआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर का पैकेज आप ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्स ले सकते हैं जिसमें केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा. यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेस है, एक पीपीटी वीडियो कोर्स जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है. यहाँ पे सीआईबी का एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम में 800 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे उस दाम में 1500 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उस दाम में 2000 रुपये. और अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं, फेस टू फेस वीडियो कोर्स में मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा जस्ट लाइक फिजिकल क्लासरूम की तरह लगेगा, ठीक है. ज़्यादा सेलिंग वाला और ज़्यादा पावरफुल कोर्स है. यहाँ पे सीआईबी का एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम में 1500 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम में 2700 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम में 3500 रुपये. ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946. वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cibsena123@gmail.com.